गुड मॉर्निंग क्लास. इन यस्टरडेज क्लास वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर. बट टूडेज क्लास वी लर्न अबाउट हाउ टू कन्वर्ट मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड मीटर इंटू किलोमीटर. सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट. जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है हाउ टू कन्वर्ट मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर. सो टूडे वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. बट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 1 मिलीमीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीमीटर. बिकॉज 10 वन जा 10, तो हम क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीमीटर. हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 मिलीमीटर की. अब जो यहाँ पे देखो बेटा, जब बीच में इक्वल का निशान होता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ पे ये नीचे लिखा जाएगा. हम कैसे लिखेंगे देखो सारे बच्चे, 1 बाय जो ये 10 है वो नीचे आ जाएगा. 1 बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. तो हमारा 10 है वो नीचे आ गया है, तो हमारे पास क्या बचा, 1 मिलीमीटर. यहाँ पे 1 मिलीमीटर की हमारे पास वैल्यू आ गई है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 10 सेंटीमीटर. जैसे हमने अपने स्केल में मेजर किया था तो आपने क्या फाउंड आउट किया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी छोटी लाइंस होती है. मीन्स जो मिलीमीटर होता है वो आपका 10वां हिस्सा होता है. 1 सेंटीमीटर का जो 10th पार्ट होता है वो क्या होता है आपका 1 मिलीमीटर. हमने क्या पढ़ा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो जो 1 मिलीमीटर होगा वो सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होगा, यानी 10th पार्ट होगा. तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 10 सेंटीमीटर. अब आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न रखना है, ओके याद रखना है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 10 सेंटीमीटर. नाउ वी कन्वर्ट मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर. तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 10 सेंटीमीटर. नाउ वी वांट टू कन्वर्ट 40 सेंटीमीटर इंटू 40 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन 40 मिलीमीटर. तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम करेंगे 40 इंटू, हमें अब मिलीमीटर का वैल्यू पता है बेटा कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 10 सेंटीमीटर. तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाय 10 सेंटीमीटर. तो उसके बाद 40 बन जा 40 और हम लिख देंगे नीचे 10, यानी हमें यहाँ पे 40 को डिवाइड करना है 10 से. वी डिवाइड 40, 10 से हम 40 को डिवाइड करेंगे. तो हम एक तो ये मेथड है कि जब आप डिवीजन करते हो ऐसे करके 40 डिवाइडेड बाय 10, आप ऐसे करो 10 4 जा 40. सेकेंड मेथड आपके पास क्या है कि हम यहाँ से 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 0 से 0 कट कर सकते हैं. तो फर्स्ट 0 से फर्स्ट 0 गया, तो अब आपके पास क्या बचा, ओनली 4, यानी आपका आंसर क्या आया 4 सेंटीमीटर. यहाँ भी हमारे पास आंसर क्या आया 4 सेंटीमीटर. तो जो डिवीजन करते हैं हम, एक तो ये मेथड है, सेकेंड हम क्या करते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको डिवाइड करना हो वो ऊपर लिखा जाएगा और जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं. तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 40 बाय 10, फर्स्ट 0 से फर्स्ट 0 कट गया, हमारे पास क्या बचा 4. तो इन 40 मिलीमीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर. तो ये हमने कैसे किया, हमें क्या करना है, हमने जो लिखा 40 मिलीमीटर, मैंने यहाँ पे 1 मिलीमीटर की हमें वैल्यू लिखनी है 1 बाय 10 सेंटीमीटर. तो हमारे पास क्या आया 40 बाय 10, हमने यहाँ पे कट कर दिया 10 4 जा 40, तो हमारे पास क्या बचा 4. तो क्या लिखेंगे इसे, 4 सेंटीमीटर. तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन 40 मिलीमीटर, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर. अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 10 सेंटीमीटर. अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा,
हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो हमें यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म है, जो सेंटीमीटर है वो शॉर्ट टर्म है और मीटर हमारी क्या है, बिगर टर्म है। यानी सेंटीमीटर से मीटर बड़ा होता है। हमें बच्चों पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपका 1 मीटर है वो बिग टर्म है, सेंटीमीटर है वो आपकी शॉर्ट टर्म है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। तब हमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय, यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा, 1 बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मीन्स जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है वो मीटर का 100वां हिस्सा होता है, 100th पार्ट होता है 1 सेंटीमीटर। ओके, आपका जो 1 सेंटीमीटर है वो जो मीटर होता है, मीटर का 100वां भाग होता है। जैसे आपने रोप बनाई थी तो आपने 100 सेंटीमीटर उसको मेजरमेंट किया था, तब आपने बोला था कि वो आपका 1 मीटर है। तो जो मीटर की रोप है, अगर उसे हम 100 पार्ट में डिवाइड करें, कट करें, तो जो एक हिस्सा होगा वो आपका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यू पता चली है 1 सेंटीमीटर की क्या वैल्यू है। अब हमें ये फॉर्मूला याद रखना है जब भी हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में। तो वी लर्न 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 100 मीटर। नाउ वी अप्लाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 100 मीटर। नाउ वी कन्वर्ट 300 सेंटीमीटर इंटू मीटर, यानी हाउ मैनी मीटर इन 300 सेंटीमीटर्स। हमें 300 सेंटीमीटर्स में कितने आपके मीटर्स होंगे। ओके, तो वी राइट 300 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास सेंटीमीटर की क्या वैल्यू है, 1 बाय 100 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाय 100 मीटर। नेक्स्ट क्या होगा आपका, 300 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो। अब हमारे पास क्या बचा, 3 ओनली लेफ्ट 3। तो हमारे आंसर क्या होगा, 3 मीटर। तो हाउ मैनी मीटर्स इन 300 सेंटीमीटर्स, तो आवर आंसर इज 3 मीटर। हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर की वैल्यू लिख देनी है, 300 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 300 बाय 100, यानी आपको 300 को डिवाइड करना है 100 से। तो हमने यहाँ पे 0 से 0 कट हुआ, 0 सेकंड 0 से सेकंड 0, तो हमारा आंसर क्या निकला, 3 मीटर। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्या आता है बच्चों, हाउ टू कन्वर्ट मीटर इंटू किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये फ्रॉम हमें पता है, आप सबने फॉर्मूला याद कर लिया है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तब हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 मीटर। तो हमें यहाँ पे 1 मीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 बाय, यहाँ पे ये 1000 नीचे आ जाएगा, तो 1 बाय 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यानी हमारे पास वैल्यू मिली है हमें 1 मीटर की, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय 1000 किलोमीटर। यानी किलोमीटर का 1000th पार्ट होता है, यानी 1000वां जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है, 1 मीटर। तो हमें लर्न करना है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय 1000 किलोमीटर। जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर को किलोमीटर में, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको लर्न करना है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय 1000 किलोमीटर। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी किलोमीटर्स इन 7000 मीटर्स। यानी आपको यहाँ पे किलोमीटर फाइंड आउट करने हैं कि 7000 मीटर्स में आपके किलोमीटर्स कितने होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है,
फर्स्ट हम लिखेंगे 7000 मल्टीप्लाई बाय, हमें पता है 1 मीटर की वैल्यू, वैल्यू ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तब हम कैसे लिखेंगे इसे, 7000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर, यानी अब हम किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो हमें वैल्यू पता है कि 1 मीटर की 1/1000 किलोमीटर है, तभी मैंने यहाँ पे भी किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे भी मैंने किलोमीटर लिखा है, तो 7000 डिवाइडेड बाय 1000। तो हम इसे कट करते हैं, फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो, थर्ड जीरो से थर्ड जीरो, तो हमारे पास क्या लेफ्ट हुआ, 7, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 7 किलोमीटर। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 7000 मीटर्स, सो अवर आंसर इज 7 किलोमीटर। आपको 1 मीटर की वहां पे वैल्यू लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने हैं और लिखने भी है, तो वो कौन सा है, फर्स्ट आपका है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, आपको ये लर्न करने हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सेकंड होगा आपका 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये लर्न करना बहुत इजी है, जैसे आपको लर्न हुआ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, अब आपको मिलीमीटर फाउंड करना है, तो आपका जो 10 है वो इधर आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे उसे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर होगा आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फोर्थ आपका फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है वो होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और 6 नंबर आपका होगा, 5 नंबर है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, आपका होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो बच्चों, आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और फिर अप्लाई करने हैं, जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगी वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।